चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया दे विच चार नंबर कलोनी च अपनी भैन नूं मिलन गए दो नौजवानों ने कुछ बदमाशों नूं पैसा देने तो इनकार किया तो चाकुआं दे नाल इन्हां नौजवानों ते उन्हां बदमाशों ने ताबड़तोड़ हमला कर दिता ते उन्हां नौजवानों नूं लहू लुहान कर दिता। नाल ही 3500 रुपए उन्हां नौजवानों कोलों नकदी भी खो लई ते जख्मियों के मुताबिक उन्होंने अपनी किसी तरीके नाल उत्थों भज के जान बचाई ते शिकायत करन तो बाद संबंधित थाना पुलिस ने अणपछाते लोगों उत्ते मुकदमा दर्ज करके अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। इन्हां नौजवानों के मुताबिक वह अपनी भैन नूं मिल के वापस परत रहे सी ते जिवें ही वह चार नंबर कलोनी के बाहर पहुंचे तो चार बदमाशों ने उन्होंने रोक लिया और उन्होंने कहा कि जो भी पैसा उन कोल है वह उन्होंने दे दिओ। उन्होंने कहा कि साडे कोल कोई पैसा नहीं है ते ओ इन्ना कह के उत्थों निकलन लगे तो गुस्से विच आए बदमाशां ने तेज तार हथियारां दे नाल अते डंडियां दे नाल उन्हां ते ताबड़तोड़ हमला कर दिता। अते शोर शराबे तो बाद नजदीक आउंदे लोकां नूं वेख के आरोपी मौके तो फरार हो गए। मैं बबलू कुमार, मैं अपने मुकेश फ्रेंड के साथ अपनी सिस्टर के घर गया था, मुकेश की सिस्टर के घर गया था मिठाई दिवाली के लिए, तो वहाँ से हम वापस लौट रहे थे तो कम चार पांच लड़कों ने हमें रोका और हमें बोला कि पैसे कितने जेब से निकालो। हमने आनाकानी की तो हमारी जेब से जबर जैसी छुरी रख के पैसे निकाले, फिर उन्होंने मुंह पे मार दी थी छुरी। उसने अपने बचाव में इधर उधर भागा, मैं भी अपने बचाव में भागा, मुझे भी दौड़ा के मारा, डंडों से मेरा हाथ तोड़ दिया, मेरा मार मार दिया और मैं उन्होंने और टमाटर है, बबलू है, ये लोग लड़के थे, इनको मैं जानता हूँ, इन्होंने मुझे मारा है और मेरे फ्रेंड के भी मुझे चाकू मारी है और मैं पुलिस वालों के पास, किसी ने मुझे किसी तरह छोड़ा है तो वहाँ पर भी बोले कार्रवाई होगी, लेकिन अभी चार दिन हो गए कोई कार्रवाई हुई नहीं अभी तक, तो मुझे आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूँ मैं, मेरी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैं सुंदर नगर में रहता हूँ, ये दिवाली वाली रात की वारदात है, चार नंबर कॉलोनी में मैं अपने सिस्टर के घर दिवाली विशेष के लिए गया था, तो वहाँ कम से कम 10 बजे की बात थी, रात को 10 बजे मैं अपने सिस्टर के घर गया, कम से कम आधा पौना घंटा मैं वहाँ रुका अपने सिस्टर के घर, उसके बाद रात को कम से कम 11 बजे मैं वहाँ से गया, तो गली में जैसे ही बाहर निकला तो वहाँ 5-6 लड़के घूम रहे थे, उनके पीछे भी बहुत से थे और मैं उनको जानता भी बाई फेस कभी, और क्या कहते कि उन्होंने मेरे हाथ साथ पहले तो उन्होंने कहा पैसे की पैसे उन्होंने मांगे, मैंने पैसे मना किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने हमारी जेब जूब पे हाथ वाथ मारा, उन्होंने जेब पे हाथ मारना, तो इस चीज़ की वजह मना किया तो पीछे से एक लड़के ने थप्पड़ मार दिया मेरे को, तो इसके बाद थप्पड़ मारने पे मैं जो उसको पलट के वार मैंने बोला भाई पर थप्पड़ तूने क्यों मारा, तो कह रहा कि तब तक पीछे से लड़के ने मेरे मुंह पे चाकू मार दी, इसका निशान सर अभी भी पेड़ा है मेरे लिए देखिए। इसके बाद हम उन्होंने पीछे के लड़कों ने एक मेरे साथ लड़का था बबलू और एक दीपक, ये उन्होंने भी बचाव करने की कोशिश की तो उन पर डंडों और छुरियों से वार किया गया और हमें समझ नहीं आता हम अपने बचाव के लिए कहाँ जाए। इसके बाद और कम से कम तब तक कि उन्होंने अपने उस पीछे उनके लोकल में रहने वाले जितने भी लड़के थे 15-20 और आ गए और उन्होंने हमें दौड़ा दौड़ा के मारा, जिसमें मेरे एक दोस्त का हाथ टूट गया है और एक दोस्त के हाथ पर थोड़ा सा फ्रैक्चर आया, बाकी मेरे लेफ्ट साइड की पूरी टांगों पर उन्होंने डंडे मारे जो अभी तक मेरे वर्किंग नहीं कुछ काम कर रहे हैं, और अभी मैं कम से कम इस बात को 3 दिन हो गए अभी तक कोई संतुष्टि नहीं हुई ना, और खुलेआम वैसे ही घूम रहे, कोई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही उन पर, तो मेरे से आपसे रिक्वेस्ट है पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई कर जाए, उनके पहले भी रिपोर्ट बहुत ही गंदे हैं और थाने में उनके बहुत हैं। उते ही थाना पुलिस मामले की गंभीरता नाल जांच करन दी गल कर रही है ते जल्द ही आरोपियों नूं सलाखां दे पिछे भेजन दी भी गल आख रही है। फिलहाल आरोपी पुलिस दी गिरफ्त तो बाहर ने अते आरोपियों नूं गिरफ्तार करन लई पुलिस वल्लों छापेमारी कीती जा रही है। जगबाणी टीवी लई चंडीगढ़ तों कुलदीप कुमार दी रिपोर्ट।